साय सरकार की पहली बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि साय सरकार की पहले बजट में ही प्रदेश की जनता को पता चल गया कि डबल इंजन की सरकार कंडम हो गई है। मोदी की गारंटी का ढोल पीटने वाली सरकार की पोल खुल गई है। शासकीय कर्मचारियों को लेकर भी उनके मानदेय बढ़ाने या उनकी सुविधा में वृद्धि करने का कोई व्यवस्था नहीं है। बजट में नए उद्यमी व्यवसायियों के बेहतर व्यवस्थापन की कोई कार्य योजना नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान जो मोदी की गारंटी का ढोल बजाया गया था और जो जनता को भरमाया गया था, इस वजह से स्पष्ट हो गया कि मोदी की गारंटी को पूरा करने की क्षमता राज्य की सरकार में नहीं है। इस बजट में जो 500 रुपए में सिलेंडर देना था, युवाओं को 1,00,000 सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान करना था, महाविद्यालय जाने वाले छात्रों को जो स्कूल बस की पास सुविधा मिलनी थी, उसके अलावा और बहुत सारे जो वादे किए गए थे, उस वादों को पूरा करने की क्षमता इस बजट में नहीं है। महतारी वंदन योजना, जिसमें प्रदेश के 1,03,00,000 महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, 117 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके इस बजट से बता दिया गया कि प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और महतारी वंदन में भी भेदभाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुल मिला के बजट से ना तो किसानों का उत्थान होगा, ना युवाओं को रोजगार मिलेगा, ना महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी, ना महिलाओं से के वादों को पूरा किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहार, जो बीते 5 वर्षों में देश विदेश में नाम कमाया था, वो भी अब डाउनफॉल में इस बजट से जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधियों की पार्टी है। चाहे केंद्र में इनकी सरकार हो या राज्य में इनकी सरकार हो, किसान हमेशा दुखी और परेशान रहे हैं। बीते 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों से कोई वादों को पूरा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।